बड़ी बड़ी ब्राउन, बड़ी ब्राउन है और अभी भी बहुत दम बचा है मछली में, बड़ी ट्राउट है, बिग ब्राउन, बबला 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 उड़िया मछली बोलना चाहिए, बहुत बड़ी वाली छूट गई और ये वाली फंस गई। यहाँ पर हमने इन मछलियों को क्लीन किया और ये हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं ब्रिंगी फिशिंग करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो पानी की लेवल नीचे है, पानी काफ़ी कम है और हम ब्रिंगी से जहां अपर ब्रिंगी का बीट स्टार्ट होता है उसका पूरा जो टॉप है वहां से हम फिशिंग करने वाले हैं। हमारे साथ मेरी फैमिली भी है, आज हम फैमिली मेंबर सब घूमने आए हैं यहां पर और फिशिंग भी करनी है, तो ऐसे तो लग रहा है काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एक ब्यूटीफुल स्पॉट पर हम यहाँ रुके हैं और मॉर्निंग टी वगैरह के लिए हम रुके हैं यहाँ पर। फ्लाई रॉड अभी ऐसे ही है, अभी मैंने फ्लाई रॉड को अभी असेंबल नहीं किया है बराबर तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये मेरे अंकल यहाँ पर टी ब्रेक के लिए, मॉर्निंग ट्री के लिए हम रुके हैं यहाँ पर। पहले चाय वाय वगैरह सब ब्रेकफास्ट वेकफास्ट होगा हमारा, रॉड वॉड हम यहाँ पर असेंबल करेंगे और फिर बिल्कुल सामने ही हमारे स्ट्रीम बह रहा है, इसमें फिशिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम ब्रेक लेते हैं टी का और रॉड्स को असेंबल करेंगे और मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर में। हाँ तो गाइज आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तो कैमरा मैन जो वो मेरा मेन कैमरा मैन है वो आज मेरे साथ नहीं है, तो आज की ज़्यादातर क्लिप्स मैं अपने गोप्रो से लेने वाला हूँ। तो फ्लाइज मैं आपको दिखाता हूँ, कौन दो फ्लाइज मैंने दोनों पैटर्न प्रिंट्स के किए हैं, एक गोल्डन एंड ऑलिव पैटर्न का प्रिंट्स मैंने अटैच किया है और दूसरा ब्लैक कलर का प्रिंट्स मैंने अटैच किया है, और दूसरी रॉड जो हमारी है उन पे एक येलो लेग्स वाला फेजेंट टेल और एक प्लेन फेजेंट टेल। तो ये चार फ्लाइज हमारी स्टार्टिंग में एक्शन में है, हमारी रॉड असेंबल हो गई है, आई एम रेडी टू गो, फिशिंग डे स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो अभी मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, फिशिंग स्टार्ट करूंगा और आगे की ज़्यादातर क्लिप्स आज आपको गोप्रो की देखने को मिलेगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं हम नीचे, मिलेगा कुछ तो आपको दिखाएंगे। हाँ तो गाइज आज का फिशिंग वीडियो स्टार्ट हो रहा है और ये पहला कास्ट गया पॉकेट वाटर, एक नो बाइट्स ऑन द फर्स्ट स्पॉट, थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम। यहाँ पर बहुत बढ़िया पूल है, लास्ट ईयर मैं आया था इस बीट पे तो इस पूल पे मैंने एक बहुत बढ़िया साइज की मछली पकड़ी थी, हो सकता है आज भी फंस जाए। आई थी छोटी सी एक ब्राउन ट्राउट आई थी, मैंने स्पॉट की लेकिन छोटी सी है, देखी मैंने। असल में आज ये आई थी बढ़िया साइज की ट्राउट थी, बहुत बढ़िया साइज। यस फिश ऑन गाइस, फिश ऑन, डिसेंट साइज ब्राउन बबले और गोल्डन कलर के प्रिंट्स में, ड्रॉपर पे नहीं आई है,
नीचे वाले फ्लाई में आई है फिश, अच्छे साइज की ब्राउन ट्राउट है ये, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी मिलती है ब्रिंगी अपर, तो यहाँ ये रिलीजिंग साइज है, ये यहाँ की छोटी मछली है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लगती है जब ये देखिए इसके हेड शेक्स, इसके कलर्स सब बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये भाई हमारे हमारा हेल्प करने आए थे यहाँ पर, लेकिन हेल्प की जगह पर इनने नुकसान ही कर दिया, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया पूल था और इसमें अगर कोई बड़ी मछली होती वो डिस्टर्ब हो गई होगी। तो ये है हमारी आज फर्स्ट ट्राउट और ये 5 ही मिनट में फंस गई। अभी हमारा दूसरा ही पूल था जिसमें हमने कास्ट किया और ये ब्राउन ट्राउट हमने हुक की। तलाई युकुन हवा भी असल पर बहुत बढ़िया, कलर्स बहुत बढ़िया, प्रिंट तलाई युकुन हवा असल पर गिर गई आपसे। ये देखिए गाइस बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया कलर्स, तो गुड स्टार्ट। और गोल्डन कलर के प्रिंट्स में बाइट किया इसने। अच्छा स्टार्ट है, इसका मतलब ट्राउट इज एग्रेसिव, अच्छे से बाइट कर रही है ट्राउट। हाँ तो गाइस फिश ऑन, लेकिन ये छोटी छोटी फिशेस फंस रही हैं, कंटिन्यूअसली बाइट आ रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी मछलियां ही आ रही हैं। अभी कोई बड़ी मछली ने बाइट नहीं किया, बस एक डिसेंट साइज की मिली थी स्नो ट्राउट। ये देखिए आप कैसे खेल रही है, ये देखिए खूबसूरत ब्राउन ट्राउट, और ये सारी ऑलिव एंड गोल्डन प्रिंट्स पैटर्न में बाइट कर रही है सारी मछलियां। मैंने 2-3 पैटर्न और चेंज किए, लेकिन इसके बगैर और किसी में बाइट नहीं आ रहा है। देखिए गाइस, लेकिन ये रिलीजिंग साइज है, ये मछलियां हम छोड़ ही देते हैं। गई वापस पानी में, मेरे ग्रुप के बाकी मेंबर्स वो उधर रहे, मैं स्ट्रीम के इस तरफ फिशिंग कर रहा हूँ, वो उस तरफ है। इस पूल में बाइट किया इसने, ये जो ये पत्थर है इसके पीछे की तरफ ये शैडो में रुकी हुई थी, मैंने जूं ही कास्ट किया इस मछली ने बाइट किया। बाइट तो बढ़िया है, लेकिन पानी की लेवल आज कम है तो बड़ी मछली बाहर आने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है। नीचे नीचे हम जाएंगे, नीचे इसमें 2-4 पूल्स डीप हैं, तो हो सकता है उन डीप पूल्स में मछली हेजिटेट ना करे। तो चलिए नीचे नीचे चलते हैं, कुछ बड़ी मिलेगी मछली, कोई बड़ी मिलेगी तो दिखाएंगे आपको ज़रूर। हाँ तो गाइज अभी 12:30 हो रहे हैं, यहाँ पर इस स्पॉट पर हम रुके हैं रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। और ये अभी तक का कैच है हमारा, ये देखिए गुड साइज, मज़ा आया फिशिंग करने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मछलियां हैं और अभी 4 हम पकड़ सकते हैं, लेकिन अब हम अगर ये साइज़ की मछलियां मिलेगी उसको रिलीज ही करेंगे, जो लास्ट की 4 है वो हम बचाएंगे कि बड़ी बड़ी 4 हमको मिले, बाकी छोटी छोटी हम छोड़ देंगे। बहुत खूबसूरत जगह पे रुके हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू, और यहाँ पेड़ भी हैं तो छाँव है, छाँव के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। ऊपर से हम आए नीचे तक फिशिंग करते हुए, बड़ी बड़ी ब्राउन, बड़ी ब्राउन है, हेलो
पैसा कर जी बबले ना पानस दिख जीर गौड़ा छे बोर्ड ना नेटस मस गलती गसी बबले बोर्ड जीर दम दर रट नेट बिग फिश ऑन द स्ट्रीमर टाइट है पूरा टाइट है यह ना मोहन है नहीं अथस क्या रट बिस्ल नही बोन बस अत्या रुक जी लाइन पूरी टाइट है ना लोनस लग जा अथ आइया लवली बिग ब्राउन ऑन द स्ट्रीमर बिग ब्राउन यू गाइस फाइट लवली ब्राउन हाँ हेलो कर लवली आधा चला लवली ब्राउन स्ट्रीमर पे बड़ी ब्राउन ट्राउट हाँ तो गाइस ये देखिए बहुत बढ़िया साइज की ब्राउन ट्राउट स्ट्रीमर में फंसी मैंने ये देखिए अब ये यहाँ पर ये नहाने उतरा है इसी पूल में यहाँ पर मैंने इस मछली को हुक किया मैंने निम्स कनेक्ट किए थे लेकिन इस पे बाइट नहीं आया पहले दो चार मिनट मैंने खेला लेकिन बाइट नहीं आया फिर मैंने उसके बाद स्ट्रीमर कनेक्ट किया और तीसरे ही कास्ट में इस बड़ी मछली ने ये देखिए बहुत बढ़िया साइज की है इसने बाइट किया और बहुत ज़बरदस्त बाइट दिया जैसा कि गोप्रो की फुटेज में आपने देखा बहुत मज़ा आया आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि तीन चार पाँच तकरीबन चार ट्रिप्स के बाद ऐसे साइज़ की कोई मछली फंसी है बहुत मेहनत के बाद तो अगर और कोई भी मिलेगी वो भी आपको दिखाएंगे तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में हाँ तो गाइस एक और बहुत बढ़िया साइज़ की ब्राउन फंसी है और सेम स्ट्रीमर में वोली बगर लवली साइज ज़बरदस्त दम वाली मछली है बहुत दमदार है जल्दी और ये फंसी गई नेट में बहुत बढ़िया साइज ब्राउन ट्राउट लवली बहुत देर के बाद फंसी मेरा कैमरा बंद था तो जो ही बाइट किया इसने तो मैंने इमरजेंसी में कैमरा को ऑन किया बहुत बढ़िया जरा दिखा इसका साइज दिखा लवली स्ट्रीमर पे बाइट किया भूली बगर जरा रुक बहुत जबरदस्त तरीके से हुक सेट हुआ है इधर दिखा बढ़िया साइज ब्राउन ट्राउट और ये भी फंसी वुली बगर में इस पूल पे
और भी मिलेगी कोई तो दिखाऊंगा। एक और बड़ी ट्राउट फंसी, बड़ी ट्राउट है, बिग ब्राउन, बिग ब्राउन, बबले 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 उड़िया मछली बोलना चाहिए। जैसे बर्ड गॉड दू सबसे बर्ड छ बबला। लवली बिग ब्राउन ट्राउट, बिग बिग फिश, लवली बिग बिग ब्राउन, लवली, बहुत बढ़िया कलर्स, बड़ी मछली, बहुत भगाया बट एट लास्ट फंस गई। नेट किया हमने, इसका कांटा बहुत जबरदस्त तरीके से फंसा था। बढ़िया ब्राउन ट्राउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त साइज देखिए मछली का, तकरीबन 1.5 किलो की ब्राउन ट्राउट है और अनएक्सपेक्टेड जगह पे फंसी। इतना सा पानी डेप्थ, थोड़ी सी गैप में से ये मछली बाहर निकली और बाइट किया। पर्पल कलर के प्रिंट्स पे इस मछली ने बाइट किया। बहुत मजा आया, लकी डे, आज दिन की ऐसी दूसरी है ये और इससे थोड़ी सी छोटी एक मैंने पकड़ी। ये देखिए बहुत बढ़िया साइज, बहुत बढ़िया। 4 ट्रिप्स पे कुछ भी नहीं मिला लेकिन ये 5वां ट्रिप बहुत मजेदार रहा। पूरी 4 ट्रिप्स की कसर निकल गई इस ट्रिप में, बहुत बढ़िया। हाँ तो गाइज, आज का फिशिंग वीडियो खत्म हो रहा है यहीं पे। तो काफी मजेदार दिन रहा, हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और जो कीपिंग साइज मछलियां हमने पकड़ी, जो 12 मछलियां हमको घर लेनी थी बैग की, वो सब डिसेंट साइज की है। उसमें से 2-3 मछलियां 1 kg से ऊपर ऊपर है और बाकी 500 ग्राम्स, 450 ग्राम, ऐसे ही अराउंड इस साइज की मछलियां हैं। बहुत बढ़िया दिन रहा, बहुत मजा आया हमको, बहुत एंजॉय किया हमने। अगर आपने भी वीडियो को एंजॉय किया गाइस तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।